हेलो गाइज, वेलकम टू करंट अफेयर्स डेली। सो एमती तो सबुदिन करंट अफेयर्स डेली आसिबो एवं फैक्ट्स शेयर करबी, बट टुडे आई थॉट टू शेयर समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आज आम विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना विषय में डिस्कशन करवा। इट व्वाई इज इट इम्पोर्टेंट? एटा तो बहुत पुराणा योजना हेले भी 2018 मसीह योजना लॉन्च है, किंतु सब्सिक्वेंटली ए लॉट ऑफ थिंग्स ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स हैज हैपेंड। 2022 रे किछि चेंजेस आसछि। एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज एमती बहुत एस्पिरेंट थे एस्पिरेंट मान आखपाखे आपण मान आखपाखे लोक मैंने थे जो मैंने यही फैसिलिटी अवेल करने योग्य सरकारी योग्यता हिसाब से सेमकर योग्यता रही सरकारी क्राइटेरिया हिसाब से, किंतु से राइट्स विषय अवेयर होना जो कि बहुत असुविधा पड़ुं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से लाइफ पड़ जा। सो यही वीडियो आरंभ करने पूर्व मुझे आपण मैं रिक्वेस्ट करी जे ये वीडियो को तो आप देखिए ही देखिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम गोइंग टू डू ए वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्कीम। आपण डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन रे भी ओएस एग्जामिनेशन रे भी जदि किसी हेल्थ केयर सेक्टर उपरे किसी क्वेश्चन थी कौन सी क्वेश्चन रे जिते गवर्नमेंट रो किसी हेल्थ केयर सेक्टर रे कौन इनिशिएटिव्स ओडिशा गवर्नमेंट ओडिशा सरकार नहीं विषय में किसी डिस्कशन करुवे से किसी लिखुवे से जिनस गुड़ाक इनकर्पोरेट करने आपण को सहज हे। सो आउ गोटे जिनस होते मैक्सीम पारे ये भिडटा को शेयर करेंगे सो दैट नॉर्मल लोक जार एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सहित कौन से संपर्क ना सी भी ये जिनस विषय में अवेयर हवा दरकार। जदि से बेनिफिशियरी तो निहाती दरकार, जदि से बीएसकेवाई कार्ड से पाखे अच्छी दे आर एलिजिबल फॉर बीएसकेवाई स्कीम से जिनसटा निहाती निहाती आवश्यक। बहुत लोग अनअवेयर अच्छा सो कौटिना कौटी गोटे गैप रोचे जो कि मत लगुच दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम्स जोटा आम डिस्कशन करवा दरकार। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स जस्ट बिगिन। सो टुडेज I will discuss all these points about this योजना बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना। फास्ट आम स्कीम विषय में गोटे ओवरव्यू देखा, तापर कौन तार कंपोनेंट्स रोचे, कवरेज कौन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन, बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजन बेनिफिट पाइबापी केमिती, हाउ एंड वेयर टू अवेल द फैसिलिटी, एनरोलमेंट प्रोसीजर कौन रही बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजन केमती निजुक एनरोल करेंगे, पैकेजेस कौन रही से अंडर रे, प्री ऑथराइजेशन कौन, एगुड़ा सब आप जापर नए कि पूरा डिटेल गोटे वन बाय वन करके चलिए। एम्पैनलमेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लेम सेटलमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल केमिती बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना एम्पैनलमेंट से केमिती हुए और क्लेम सेटलमेंट गवर्नमेंट केमिती करे, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द स्कीम माने स्कीम जो बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जो आसी तार बेनिफिट्स कौन कौन रोज कौन कौन नेगेटिव पॉइंट्स रही किसी लैकुना रही स्कीम रे से आम डिस्कशन करवा। देन चैलेंजेस एंड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, चैलेंजेस माने एबे कौन कौन बॉटलनेक्स रही जोटा आम एबे भी माने योजना जो इम्प्लीमेंट होची फील्ड लेवल रू कौन कौन चैलेंजेस आसुची, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट कौन कौन इम्प्रूवमेंट स्कोप रही। सो बेसिकली यही 11टा पॉइंट रे वी विल डिस्कस, वी विल ट्राइ टू समराइज द एंटायर स्कीम। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड। बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना इट इज प्रोबब्ली द लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। एटा सब बेले देखिबे न्यूज पेपर रे आसुची आमे एते स्पेंड करूचु एतिकि लोक बेनिफिटेड हेले, सो एटा को गवर्नमेंट काइंड ऑफ इट इज प्रमोटिंग द स्कीम। ओके, वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। दो ऑफिशियली इट वाज लॉन्च्ड इन ऑगस्ट 2018 बट वेरियस एडवांसमेंट एंड स्ट्रेटेजिक की चेंजेस हैव हैपेंड इन 2022। जमी स्मार्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट रे मुख्यमंत्री किसी दिन धरिकी कर चलते डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लॉन्च होता। देन विजन कौन, ये योजनार विजन कौन, विजन इज टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन पीपल। इकोनॉमिकली वल्नरेबल को माने जो माने बीपीएल कार्ड अच्छी जो माने राशन कार्ड होल्डर्स दोज आर इकोनॉमिकली वल्नरेबल है। सो नेक्स्ट एयर कंपोनेंट्स कौन रही, इट हैज टू कंपोनेंट्स, गोटे हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे कंप्लीटली फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करिबा, आउ गोटे हूँ जदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे आमे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी पारुने लेट्स से गवर्नमेंट रो इंफ्रास्ट्रक्चर सेमती नाही
सब डिजीज पाई बा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज पाई से माने सब जमी फॉर एग्जांपल गोटे ब्रेन स्ट्रोक हो गला एबे तो हेलानी बहुत एडवांस हेलानी गवर्नमेंट फैसिलिटी बा गोटे किडनी रिप्लेसमेंट हला कि गोटे लिवर ट्रांसप्लांट हला किछि भी गोटे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी बा गोटे किछि मेजर जिनस हो गला एटा प्राइवेट रे जमी फैसिलिटी अछि गवर्नमेंट सेमती एपर्यंत भी फैसिलिटी हैनी आम बहुत आगे को आसेणी बहुत इम्प्रूव है कि स्टिल एपर्यंत है सो इट हैज टू कंपोनेंट्स फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट विल बियर द फुल कॉस्ट ऑफ ऑल हेल्थ सर्विसेज कंसल्टेशन टू आरंभ कर कंसल्टेशन मैंने डाक्तर को देखा करवा मेडिसिन टेस्ट जहाँ हम गवर्नमेंट रे देन डेलीवर्ड टू ऑल द पेशेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम स्टेटस रेसिडेंस गोटे भल स्टाटस पैसा वाला लोक भी जदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाए से फ्री ट्रीटमेंट पाइब एवं गोटे मूल्य श्रेणीर लोक अति तल श्रेणीर जहाँ रोजगार बहुत कम सी जदि भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाए तो भी फ्री ट्रीटमेंट पाइब फ्री टेस्ट हे फ्री रे मेडिसिन जदि माने हॉस्पिटल रहा दरकार पड़े सेटा भी फ्री रे सो सब जिन फ्री रे प्रोवाइड करवा दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना देन द सेकेंड कंपोनेंट इज स्टेट गवर्नमेंट विल बियर द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड इन एम्पेनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर आइडेंटिफाइड इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज इन द स्टेट तार अर्थ होची प्राइवेट रे भी अप टू सम एक्सटेंट वी विल प्रोवाइड द फ्री ट्रीटमेंट माने आम जा पैसा न देकर सब तो पूरा एंटायर कॉस्ट बेयर करहबनी बट वन एक्सटेंट एक्सटेंट कौन के लिमिट पर्यंत जड़े पाइपर आग स्लाइड आग को जाए देखा ओके सो नेक्स्ट फॉर प्राइवेट एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट अप टू मैक्सिमम 5 लाख जोटा मुझे कहती लिमिट मैक्सिमम 5 लाख पर ईयर एंड एडिशनल 5 लाख पर ईयर फॉर आफ्टर एक्जर्शन ऑफ इनिशियल लिमिट ऑफ 5 लाख फॉर फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली ता माने होची गोटे परिवार रे सपोज देर आर 5 मेंबर्स 3 जन मेल मेंबर अच्छा 2 जन फीमेल मेंबर अच्छा सो 5 मेंबर्स सरकार 5 लाख टंका देले जदि आप सरकारी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो पारे प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हे ताहले 5 जन मानक भितरु केही भी रोगरे पड़िले बा कहार भी हॉस्पिटलाइजेशन दरकार पड़िले से हॉस्पिटल को जीव एवं 5 लाख टंका पर्यंत फ्री ट्रीटमेंट से अवेल करि पारिबो तापरे जदि गोटे फीमेल मेंबर हेताय ताहले ताकु आउ एडिशनल 5 लाख ताकु भी तापाई भी प्रोविजन रहिजी मेल मेंबर को पई 5 लाख फीमेल मेंबर को पई 10 लाख सिंप्लीफाइड वे रे कहले 10 लाख पर्यंत गोटे सिंगल ईयर भितरे एक्सपेंडिचर हे पारिबो पुणी ईयर सरीगला परे पुणी आउ थरे सेटा कार्डटा को रिन्यू कर दिया जिवो आउ थरे सेतरे सेम अमाउंट जेंती 5 लाख टंका पुणी जेंती दिया हवा कथा दिया जिवो पुणी एडिशनल 5 लाख फीमेल को पई दिया जिवो सो दैट इज द प्रोविजन बीएसकेवाई स्मार्ट हेल्थ कार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू ईच फैमिली बेनिफिशियरी कैन ऑल्सो कलेक्ट हिज और हर बीएसकेवाई स्मार्ट हेल्थ कार्ड आर डेजिग्नेटेड मो सेवा केन्द्र बाय प्रोड्यूसिंग हिज और हर वैलिड एनएफएसए और एसएफएसए कार्ड तो बीएसकेवाई से कौन ना ये जो कार्डटा यहाँ जाकि इंडिविजुआल आप्लिकेसन आपको दबार नहीं कौटी आपंकर जो राशन कार्ड अच्छी जदि आप नेशनल फूड सिक्यूरीटी स्टेट फूड सिक्यूरीटी प्रोग्राम भितर आप आसुँचा जो मगणारे चाउल अलग जिनस जो मिलू जदि आप ऑटोमेटिकली यू आर एलिजिबल फॉर बीएसकेवाई फैसिलिटी आउ जो कार्ड से कार्डटा ऑटोमेटिकली आप प्रिंट होकर आपण घर को डेलीवर कर दिया जिवो बा आपण जाएंगे डेजिग्नेटेड मो सेवा केन्द्र जो अच्छी सब गुड़ाक नुहे केते गुड़ा मो सेवा केन्द्र रे ए जिनस अवेलेबल अच्छे आपठ आनी पारे बीएसकेवाई डाटाबेस इज अपडेटेड एंड सिंक्रोनाइज्ड विथ एनएफएसए और एसएफएसएस डाटाबेस इन रियल टाइम मैनर माने बीएसकेवाई जो डाटाबेस अच्छी केते जन बेनिफिशियरी आउ जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो फूड सिक्योरिटी पोर्टल अच्छी से दुटा डाटाबेस पीरियडिकली 15 दिन 10 दिन में गोटे प्रोग्राम चलत जो थे यही डाटाबेस को सही डाटाबेस सहित सिंक कर दिया होता ओके तो किसी चेंजेस है जन मरीगला ताकु राशन कार्ड रू हटे दिगला तो सहीटा पुणी बीएसकेवाई कार्ड रू हटा दरकार बीएसकेवाई योजन रू से लोकर ना हटा दरकार तो ये सिंक्रोनाइजेशन आवश्यकता रही है सिंक्रोनाइजेशन माने एठी जहाँ एक्जाक्ट रेप्लिका ऑफ द सेम डेटाबेस विल बी देयर इन बीएसकेवाई डेटाबेस ओके सो दैट से भितर गोटे सिंक्रोनाइजेशन रहा एठी जो मैंने बेनिफिशियरी रे नेशनल फूड सिक्योरिटी बा स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम अंडर जो मैंने रही से ही इलिजिबल फॉर बीएसकेवाई फैसिलिटी ओके सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एलिजिबिलिटी कौन ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट हैविंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम कार्ड होल्डर्स आपड़ ओडार होरकार आउ ए दुटा स्कीम अंडर
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର ବା ଆପଣ ବେନିଫିସିଆରୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ହୁଏର୍ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଦ ଫେସିଲିଟି, ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ଲାଇକ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର୍ସ, PHC, CHC, ଦେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, ଦେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଯେମିତି କିଛି ଲିମିଟେଡ଼ ଅଛି, ଯେମିତି କଟକରେ ଆମର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ SCB ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଦେନ୍ ବୁର୍ଲାରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏବେ ଖୋଲିଗଲାଣି। ସୋ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସିକି ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇପାରନ୍ତି, CHCରେ ହେଇପାରନ୍ତି, PHCରେ। ଏଠି ସବୁ ଯେ ୱି ଆର୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟିଜ, ୱି ଆର୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ VSKY। ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଫ୍ରିରେ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବ, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ ହେଲେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫ୍ରି, ଡକ୍ଟର କନସଲଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫ୍ରି। ଅଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏମ୍ପେନେଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ବୋଥ ଇନସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଡ, ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ, କେବଳ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଭିତର ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଇକରି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର SAS ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ସୋସାଇଟି, ଯିଏକି ପୁରା BSKYର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି, ସେ ଯାଇକି ଆମର MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାନେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେଇଟା ସାଇନ୍ ହେଇଛି ୱିଥ୍ ଭେରିୟସ୍ ବିଗ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ହେଇଛି, ବଟ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେମିତି ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହେଇଗଲା, CMC ଭେଲୋର ହେଇଗଲା, ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଗଲା, 40 ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ହେଇଗଲେ, ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଟାଇ ଅପ୍ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯଦି ବାହାରେ ଥାଏ, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବି ସେ BSKY ଫାସିଲିଟି ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ହି ହାଜ୍ ଦ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅର୍ BSKY କାର୍ଡ଼। ଓକେ, ସୋ କେବଳ ଇନସାଇଡ଼୍ ନୁହେଁ, ଆଉଟସାଇଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଆମେ କୋଲାବରେଟ୍ କରୁଛୁ, ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି, ବାହାରେ ଆପଣ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ, କିଏ ଇଲିଜିବୁଲ, ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ଦିସ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ସମ୍ୱନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଅ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଫ୍ BSKY ସ୍କିମ୍, ମାନେ BSKY ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର, ଯେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ସେଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ ହୁଏ, କେମିତି ଆମେ BSKY ଅଣ୍ଡରରେ ନିଜକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବୁ। ଓକେ, ତ BSKY ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ବା SFS ବା NFSର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଲିଜିବଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ଡ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଚିପ୍ କାର୍ଡ଼ କଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରିଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହୁଏତ ଯାଇପାରେ, ତ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ପରିବାରର ହୁଏତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବଦଳି ସାରିଥିବ, ସେହି ହିସାବରେ ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରି ସେମାନେ ବଦଳି ସାରିଥିବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଲାଇଭ୍ ଡାଟା ବେସ୍ NFSA ଆଉ SFS ଯେଉଁ ଡାଟା ବେସ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ର ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ମୋଷ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ସେଠି ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ଡାଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ ଦ ଡେଟାବେସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍, ଦେନ୍ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ବାଇ କ୍ୟାପଚରିଂ ଦ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଅର୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର। ଲେଟ୍ ସେ ଫାଦର ଯିଏ ଘରର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦେନ୍ ମଦର, ଦେନ୍ ସିଷ୍ଟର, ଦେନ୍ ବ୍ରଦର, ଏମିତି ମାନେ 2 ଜଣ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ବାପା ମାଆ, ଏତିକି ମନେକର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନେକର ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ, ମନେକର ଫାଦର ସିକ୍ ହେଇଗଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତାଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ବି ଏବେ କଥା ହେଉଛେ ସେଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ 2ଟା ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ସ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଦେନ୍ ଅନଦର ଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ BSKY ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ବା BSKYରେ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି କଥା ହେଉଛେ। ଡାଟାବେସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ସରିଗଲା ପ୍ରିଲିମିନାରି ଲେଭେଲରେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବା, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକରି ଆମେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବା, ଏବଂ କିଏ କରିପାରିବେ, ପେସେଣ୍ଟର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ କରିପାରିବେ, ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ନିଜେ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ମାନେ ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ୱାଇଫ୍, ଯଦି ୱାଇଫ୍ ନାହିଁ ଦେନ୍ ସନ୍ ଓ ଡଟର୍ କରିବ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ କରିପାରିବେନି। ମନେକର ଦାଦାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ସିଏ କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ
जाकर आप बीएसकेवाई रे एडमिशन नहीं पारे। देन नेक्स्ट पैकेजेस अंडर बीएसकेवाई। बीएसकेवाई रे पैकेजेस कौन? पैकेजेस माने प्रथम कथा होची जे कौन कौन डिजीज को लेकिन सी पैकेज कराई जमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे किसी जिनस अच्छी जोटा ट्रीटमेंट हो पार माइनर एलिमेंट्स जनकर गोटे छोट बर्न इंजुरी होगला कि जनकर हार्टटे भांगीगला कि जनक टीबी होगला कि मलेरिया होगला यही भाया जो ट्रीटमेंट गुड़ाक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल तेणु आप प्राइवेट हॉस्पिटल को जाकि भिड़ जमेवा दरकार नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो पारा को आप ये कौन रिजर्व पैकेजेस से कहा रिजर्व पैकेज जोटा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो पार। देन नेक्स्ट इज रेफरल पैकेज। रेफरल पैकेज माने आपणकर फर्स्ट काम हो आपण गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जीवे गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे किछिटा कंडीशंस जदि अछि फॉर एग्जांपल आपणकर जहां दरकार लेट से गोटे पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे तार किडनी खराब होई छि से गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे डायलिसिस पई जाउ छि किंतु गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे एते इंफ्रास्ट्रक्चर एते फैसिलिटी नाही जे 100 जणकर डेली डायलिसिस हबो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे नाही तो सेठी कोन करा जिवन आपणको प्रोसेसटा डिले हबो। इन दैट केस यू कैन आस्क द डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट कि मते सर प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर कर दियंतु प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल रे मु बीएसकेवाई योजन रे फ्री रे मो डायलिसिस करै परबी तो सेई बेला तो केतरे कंडीशन रही छि कैन बी कवर्ड जो डिजीज गुडा को गवर्नमेंट फैसिलिटी रे हे परबो नाही सेटा होजु फर्स्ट कंडीशन से गुडा को रेफर पे अपना रेफरल पे अपना हॉस्पिटल अथॉरिटीज को अप्रोच करै परबे। देन नेक्स्ट इज लॉन्ग वेटिंग टाइम जोटा एबे डायलिसिस कथा कहतली अधिका दिन अपेक्षा करया पडछ ड्यू टू कंजेशन ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी और ड्यू टू ओवर क्राउडेड बेनिफिशियरीज। सेकेंड हूँ इमरजेन्सी केसेस मनकर गोटे इमरजेन्सी केस एक्सीडेंट केस है मैंने एक्सीडेंट ट्रॉमा केस जोड़ा सीभीयरली इंजियर्ड से मनकर गवर्नमेंट हो पारे डॉक्टर कहते हैं इमिडियेटली आपको कोई बेटर हॉस्पिटल को नहीं जाओ ये हमारे फैसिलिटी ना इन दैट केस अल्सो यू कैन आस्क फॉर रेफरल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफरल पैकेज आपन जाकर बीएसकेवाई गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिशन हो पारे। ओके देन नेक्स्ट ओपन पैकेज। ओपन पैकेज कौन जदि आपन एमती अवस्था भी नहांती कि इमिडियेटली गवर्नमेंट को जी गवर्नमेंट रे पुणी रेफर करके गोटे प्राइवेट को जी से अवस्था भी पेशेंटर कंडीशन न थपे आहरी डिटोरेसन कंडीशन थपे तो इमिडियेटली आपन डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जापर तो दैट इज कॉल्ड ओपन पैकेज। एनी बेनिफिशियरी कैन डायरेक्टली वर्क इन टू एनी इम्पेनल प्राइवेट हॉस्पिटल एंड अवेल ट्रीटमेंट अंडर ओपन पैकेज इफ ही इज फाउंड सुइटेबल फॉर द पैकेज बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर ऑफ एम्पेनल हॉस्पिटल। आपन जब गोटे हॉस्पिटल को जीवे जो प्रथम आपको कौन हो पचर जाते कहे मोर ये जिनस इमिडियट सीभीयर एक्सीडेंट केस इमिडियट मोर यहाँ दरकार जदि डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल फिल करेंगे ना या इमिडियेटली आम एडमिशन करवा आपको ट्रीटमेंट करवा अंडर बीएसकेवाई जेहेतु सी गोटे एनएफएसए एसएफएसएस बेनिफिशियरी तार फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना तेणु आम ट्रीटमेंट कर पारे जब डॉक्टर फिल करते हैं डायरेक्टली भी आप हॉस्पिटल एडमिशन नहीं पारे। ओके देन नेक्स्ट सर्विस। सर्विस कौन योजन कौन कौन सर्विस दिया हो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल आईपीडी एंड डे केयर फैसिलिटीज। आईपीडी माने इन पेशेंट डिटेल्स माने इन पेशेंट माने हॉस्पिटल आप एडमिशन हमें 1 to 2 days, 3 days आप रुंती दैट इज इन पेशेंट। ओपीडी है आउट पेसेंट जमी मोर लेट से गोटे स्किन प्रॉब्लम किसी बाहरी मुझे हॉस्पिटल को डॉक्टर को देखेली डॉक्टर मेडिसिन देले मु घर को पलैसली दैट इज ओपीडी ट्रीटमेंट किंतु जनकर गोटे किसी प्रॉब्लम है से 2 days, 3 days, 15 days हॉस्पिटल एडमिशन रहा दैट इज आईपीडी। आउ डे केयर फैसिलिटी कौन डे केयर फैसिलिटी जमी डायलिसिस एग्जांपल देली गोटे लोकर कैंसर हो जाए सी कैंसर केमो नब केमो नब मैंने इंजेक्शन टे नवा तरह कंपलसरी दैट इज डे केयर और रेडिएशन तार हम जो लाइट पकईकर कैंसरस एरिया पोड़ी दि जाए से हॉस्पिटल रहा निहाती दरकार फर लाइक 3 hours, 4 hours, 5 hours सो एगुड़ा हूँ डे केयर फैसिलिटी तार लिस्ट अच्छी कौटा आईपीडी कौटा डे केयर कौटा ओपीडी एगुड़ा सब कैटेगरी रही तो बेसिकली ओपीडी ट्रीटमेंट जो नॉर्मल करे थंडा हो ज्वर होश होगुड़ा जाकि हॉस्पिटल आम देखे डाक्तर को देखे मेडिसिन नहीं आसे दैट इज ओपीडी ट्रीटमेंट। आईपीडी माने एडमिशन हाँ आउ डे केयर माने हूँ जाकर हॉस्पिटल प्रोसीजर किसी फॉलो हम किसी टेस्ट हबार अच्छे किसी मेडिसिन मत नबार अच्छे रेडिएशन हबार अच्छे एगुड़ाक आई सर्जरी गुड़ाक नॉर्मली 3 to 4 hours भितर हो जाए जो कैटरेक्ट सर्जरी दैट इज ए डे केयर प्रोसीजर सेम डे आप हॉस्पिटल एडमिशन हम कि सेम डे भी आप डिस्चार्ज हो
କିନ୍ତୁ ଓପିଡ଼ି କେସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁନି। ଓକେ, ଡେ କେୟାର୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଡେରେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବେ। ଫେସିଲିଟି କ'ଣ ନା, ସେ ଯେଉଁ BSKY ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କଭର୍ ହେବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚାର୍ଜ, ବେଡ୍, ICU ଚାର୍ଜ, ନର୍ସିଂ, ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଚାର୍ଜେସ୍, ସର୍ଜନ୍ ତା'ର ଯାହା ଚାର୍ଜ ନେବା କଥା, ଆନାସ୍ଥେସିଆବାଲା, ମେଡ଼ିକାଲ କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ଫିସ୍, ଚାର୍ଜେସ୍ ଫର୍ ଆନାସ୍ଥେସିଆ, ବ୍ଲଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ, ବ୍ଲଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, OT ଚାର୍ଜେସ୍, ମେଡ଼ିସିନ୍, ଡ୍ରଗ୍, ଯାହା ବି ଲାଗିବ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଡ୍ୟୁରିଂ ୟୋର୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହା ବି ଲାଗିବ ଏଭ୍ରିଥିଂ, ଇଭେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମନେକର ଜଣଙ୍କର କାନର କକ୍ଲିଆ ମାନେ କାନର ଯେଉଁ ଇୟର୍ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଶୁଣାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ମେନ୍ଲି ସାଉଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂ ହୁଏ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସେଇଟା ଖରାପ ଥାଏ, ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଏ। ବା ଜଣଙ୍କର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ମେଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଲାଗିବ, ବା ମାନେ ମେଟାଲିକ୍ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ କରିକି ଲଗାଯାଏ ବେଳେବେଳେ, ବେଳେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ତାକୁ ଲଗେଇବ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟର କଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ କଭର୍ଡ଼। ଓକେ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍, ଡିଭାଇସେସ୍, ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 5 ଡେଜ୍ ଅନ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫଲୋ ହେଉନି ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବି ଆୱେର୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଫର୍ ଦେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ସର୍ଜରୀ ପରେ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ 5 ଡେଜ୍, 10 ଡେଜ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରି ଅଥରାଇଜେସନ୍। ପ୍ରି ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର BSKY ସେଲ୍ରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରି ଅଥରାଇଜେସନ୍। ପ୍ରି ଅଥରାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଅଥରିଟି ତ BSKY ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇକରି ଗଲେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ପଇସା ପାଆନ୍ତିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ନେବେ, ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେବେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରି ଅଥରାଇଜେସନ୍। ଫର୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ୱିଥ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ କଷ୍ଟ 10,000 ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଅନ୍ସ୍ପେସିଫାଏଡ଼୍ କାଟେଗୋରୀ ପ୍ୟାକେଜେସ୍, ଯେମିତି BSKY ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ର ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବେଡ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର, OT ଚାର୍ଜେସ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର, କନ୍ସଲଟେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର, ଡକ୍ଟର ଫିସ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର, ମେଡ଼ିସିନ୍ କେତେ ଟଙ୍କାର ଲାଗିପାରିବ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଅପ୍ଟିମମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ। ନହେଲେ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରେ ଜଣେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯିବ କି ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯିବ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ପକାଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର BSKY ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଟି ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଲେଟ୍ ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲାଗିବ, ଯାହା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିବ ଯେଉଁଟା କିଣା ହେଇକରି ଆସେ, ସେଇ ଜିନିଷରେ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ, ତା'ର ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିଆହେଇଥିବ, ବେଡ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିଆହେଇଥିବ, କାରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନା, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଚାର୍ଜ ଏନିଥିଂ ଦେ ୱାଣ୍ଟ। ତ ସେଇଟା BSKY ସେଥିପାଇଁ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି, 10,000 କିମ୍ବା ତାରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପ୍ରି ଅଥରାଇଜେସନ୍। 7 ଡେଜ୍ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼୍ ଟୁ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଫର୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା, ତା ପାଖରେ BSKY କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ BSKY କାର୍ଡ଼ର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପେସେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ BSKY ର ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ସ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବ ଆଉ ତା'ର କ୍ଲେମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ନମ୍ବର ସେଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସେଠି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର BSKY ରୁ ଟଙ୍କା କଟିବା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ରୁ ଟଙ୍କା କଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଟର୍ନ ଆରାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ 24 ଆୱାର୍ସ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ହସ୍ପିଟାଲ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲା ଦେନ୍ BSKY ମାନେ SAS ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଆସୁରାନ୍ସ ସୋସାଇଟି ବାଲା ଭୁଲିଗଲେ, ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରିଲି ରଖାହେଇଛି 24 ଆୱାର୍ ଭିତରେ ତୁମେ ସେଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଫିଟ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ୟୋର୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଯଦି ସେ ସବୁ ଅଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ 7 ଦିନର ଟାଇମ୍ ଦିଅ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସବମିଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ତୁମେ ଯଦି କରୁନ ତାହେଲେ 24 ଆୱାର୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 24 ଆୱାର୍ ତୁମେ କରୁନ ତାହେଲେ 24 ଆୱାର୍ ଭିତରେ ଅଟୋ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ଫର୍ ଅନ୍ସ୍ପେସିଫାଏଡ଼୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 48 ଆୱାର୍ସ, ଅନ୍ସ୍ପେସିଫାଏଡ଼୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାନେ ସବୁ ଡିଜିଜ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡିସିସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଆସିପାରେ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫାଇନ୍ ହୋଇନି,
तो आम तो आई पेसेंट को बाहर करदेबानी से पेसेंट को अनस्पेसीफाइड कैटेगरी में रखा अनस्पेसीफाइड पैकेज सो ताकि 48 आवर्स रखाई ओके देन नेक्स्ट मीन्स सॉरी एम्पेनलमेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स कौन जस्ट ए मिनट हाँ सेम एम्पेनलमेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स स्टेट हेल्थ एश्योरेंस सोसाइटी जोड़ा मैं आपको कहती सास SHAS इज द एम्पेनलिंग अथॉरिटी फॉर इनसाइड द स्टेट हॉस्पिटल्स एंड स्टेट आउटसाइड हॉस्पिटल्स एज वेल आउटसाइड स्पेलिंग ओके स्टेट आउटसाइड हॉस्पिटल्स एक्सक्यूज मी फॉर दैट दैट हैज टू बी आउटसाइड लेट मी रेक्टिफाई इट ओके या सो स्टेट आउटसाइड हॉस्पिटल्स एज वेल आपर भितर मानने ओडिशा भितर बहुत सारा हॉस्पिटल BSKV योजना अच्छा बाहर अच्छा किंतु सास हूँ गोटे कोर ऑर्गेनाइजेशन जोटा BSKV कम कर सिलेक्शन टीम अच्छी एम्पेनेलिंग टीम अच्छी जदि गोटे हॉस्पिटल निजे अप्लाय करे 82nd पॉइंट लिखे हॉस्पिटल कैन ऑल्सो अप्लाय एंड आफ्टर ड्यू इंस्पेक्शन द सास में अप्रूव इट से अप्लाय करेंगे जे वी वांट टू एम्पेनेल आवर सेल्फ इन BSKV स्कीम तो गोटे टीम जीव हॉस्पिटल को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तार देख तार फैसिलिटीज देख स्टाफ देख सब जिन देखी सारापर जो सब पैरामीटर क्वालिफाई करेंगे से मैंने से गोटे हॉस्पिटल को BSKV रे एम्पेनेलमेंट करा जीवो सो सही कथा जे जदि आइदर स्टेट हेल्थ एश्योरेंस सोसाइटी ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल को इंक्लूड कर किंबा हॉस्पिटल निजे अप्लाई करी अप्रूवल नहीं करी एम्पेनेल हबो ओके सो देर आर टू प्रोसीजर्स क्लेम सेटलमेंट केमती हबो क्लेम सेटलमेंट माने जो हॉस्पिटल जो रोगी रो ट्रीटमेंट कला तार जो पैसा से पाइबा कथा से स्टेट हेल्थ एश्योरेंस को क्लेम करिवो तापर गवर्नमेंट टू से पैसाटा से पेशेंट अगेंस्ट रिलीज हबो फ्रॉम हिज कार्ड जो कार्डटा ताकू दिया हिची रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड और अपलोडेड बाय द हॉस्पिटल विद इन 7 days ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फॉर एग्जांपल 1 तारीख रे गोटे पेशेंट एडमिशन होगा 5 तारीख रे डिस्चार्ज होगा 5 तारीख को नहीं कि 12 तारीख भितर हॉस्पिटल सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर डॉक्यूमेंट इन द सेंस कौन पेशेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट तो प्री ऑथराइजेशन टाइम रे सबमिट कर किंतु तार टोटल एक्सपेंडिचर जो है जो बिल है से बिल सब अपलोड करा पड़ो कौ बिल अगेंस्ट रे से पैसा रिलीज करेंगे सो से बिलटा को अपलोड करा पड़ो डिस्चार्ज समय अपलोड करा पड़ो किसी डॉक्यूमेंट्स तार प्रॉपर मेथड अच्छी तो 7 days भितर से अपलोड करेंगे फिलिंग व्हिच द क्लेम इज ऑटो रिजेक्टेड जदि सदन से न कले तो ऑटोमेटिकली दैट क्लेम विल बी रिजेक्टेड इट विल नेवर बी सेटल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट क्लेम इज सेटल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर माने ऑटोमेटिकली बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर हो हॉस्पिटल अकाउंट को पलेब आउ पेशेंट रो अकाउंट रो पेशेंट रो जो BSKV रो जो माने तार जो अकाउंट अच्छी से BSKV कार्ड रु कटिकी से पलेब माने स्टेट एक्सचेकर रु जीव कारण स्टेट जो गोटे कार्ड दौर से कार्ड अगेंस्ट 5 लाख टाँग से बैंक रे सिक्यूरीटी रखिला से ही 5 लाख रु कटिकी हॉस्पिटल अकाउंट को पलेब एवं क्लेम सेटलमेंट हो गला देन इनसेंटिव फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल इनसेंटिव माने कौन हॉस्पिटल कहीं निजुक एनरोल करेंगे तांकर कौन बेनिफिट एथेरे प्रथम जिनस हो BSKV रो जो पैकेज अच्छी जदि आप हॉस्पिटल NABH रो फुल फॉर्म कौन नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तो जदि गोटे हॉस्पिटल मिनिमम स्टैंडर्ड अचीव करे ये गोटे नेशनल एक्रेडिटेशन गोटे मिले यहीटा कौन हॉस्पिटल गोटे क्रेडिबिलिटी बढ़ाए जदि मु गोटे कल मोर गोटे प्रॉब्लम हो मु गोटे हॉस्पिटल को जीवी मु से हॉस्पिटल विषय कौन कौन देखे करी जीवी सो NABH इज जमी गोटे ISI मार्क दि जाए गोटे ट्रेडमार्क दि जाए से भाया इट इज ए सिंबल ऑफ एक्सीलेंस जोटा हॉस्पिटल को दि जाए एटा सेंट्रल गवर्नमेंट रो बॉडी एटा दि जाए देले कौन हॉस्पिटल गोटे रिकॉग्निशन एटा मिलला जे ये हॉस्पिटल होची इट्स ए गुड हॉस्पिटल ओके यदि आपरे एंट्री लेवल एक्रेडिटेशन अच्छी तेल आपको 10% इनसेंटिव मिल एभव द बेस्ट पैकेज एभव द बेस्ट पैकेज अर्थ कौन लेट से गोटे पेसेंट किडनी पेसेंटर किडनी ट्रांसप्लांट हे किडनी ट्रांसप्लांट लेट्स से किडनी ट्रांसप्लांट पाई माने BSKV रो जो पैकेज डिफाइन है दैट इज 9 लाख 9 लाख डिफाइन है तो हॉस्पिटल जो से प्रोसीजर सक्सेसफुल कंप्लीट कर सी आउ 9 लाख क्लेम कर 9 लाख तो क्लेम कर ही कर सहित एडिशनल 10% माने 90,000 तक मिल इफ दैट हॉस्पिटल हैज NABH एंट्री लेवल एक्रेडिटेशन आ जदि पूरा NABH एक्रेडिटेशन अच्छी एंट्री लेवल न था कि पूरा अच्छी ताले 15% इनसेंटिव ताकू एडिशनल मिलिबो एबव द बेस पैकेज तो इटा गोटे इनसेंटिव फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स
ଆଉ ତ ଏମିତି ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କଷ୍ଟମର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ BSKV ହେଉ ଯାହା ହେଉ ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କଷ୍ଟମର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ତୁମେ ଏମ୍ପାନେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପର୍ ଡେ 50 ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟ 100 ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ଦ ମନି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ସ। ଓକେ, ତ ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ BSKV, BSKV ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେମିତି କେମିତି ହେଉଛି। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ଆଟ୍ ଇଚ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏମ୍ପେନେଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଫାସିଲିଟେଟର୍ସ ଫର୍ ବେନିଫିସିଆରିଜ୍ ଫର୍ ଏନି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତା'ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ, BSKV ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ଯାହା ସର୍ଭିସେସ୍ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର କରାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି BSKV ଏମ୍ପେନେଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ରୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି ୱିଥ୍ IT ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପିପଲ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ବସିଛି, ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାବେଳେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ମାନେ ସେ BSKV ପୋର୍ଟାଲରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରିଲାନି, ତା'ମାନେ କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟର BSKV ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବନି? ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର କ'ଣ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇବ, ଯାଇକି BSKV ମାନେ SAS ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଆସୁରାନ୍ସ ସୋସାଇଟିକୁ ଯାଇକି ଠିକ୍ କରିବ କି? ତ କାହା ସହିତ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ? ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକେଟ୍ କରିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ତା'ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆଡମିସନ୍ ହେବା କଥା ଆଡମିସନ୍ ହେବେ। ସୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟରମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟାୟର ସୁପରଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରସ୍। ଆର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର CDM PHO ଇଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ସୁପରଭାଇଜରି ଅଫିସର ଅଫ୍ ଦ ସ୍କିମ୍। ଚିଫ୍ ସୁପରଭାଇଜର କିଏ ନା CDM PHO। ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ DHH ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି DHH ଭାବୁଛି ତାକୁ, ଆର୍ ଦ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର୍ସ ଆଟ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ, ମାନେ ହେଲେ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର୍ସ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସୁପରଭାଇଜରି ଅଫିସର। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମଗାଯିବ ତାଙ୍କୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ମନେକର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇଛି, ସେ ସେଠି ଆଡମିସନ୍ ହୋଇପାରିଲାନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ରିଜନ୍, ସେ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ? ସେ ତ ଯାଇକି ଆଉ ଲିଖିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ, ଯାଇକି ରିଟର୍ନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କଲ୍ କରିବ 104। 104ରେ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ସିଧା BSKV ସେଲ୍କୁ ଲାଗିବ, କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କନ୍ସର୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଟା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ BSKV କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବହି ଆସୁଛି, ସେ ବହିରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ, ଡିସଚାର୍ଜ ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପଡ଼ିବନି, କେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ସେଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ପିପୁଲ ଡୁ ନଟ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦାଟ ବୁକ୍ଲେଟ୍। ତା'ପରେ ଆପଣ 155369ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ENIT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଲ୍ପ କିଛି ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ENIT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଅଲସୋ ମୋ ସରକାର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲି, ମୋ ସରକାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଲା, ମୋ ସରକାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏବେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଯେ ଏ ସ୍କିମ୍ର କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ କ'ଣ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ ଅଛି, ବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷରେ ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେକ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗ୍ ଭିଜନେରୀ ମାନେ ସ୍କିମ୍ସ ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ସେ। ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ଫର୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଅର୍ ହୁ ଇଜ୍ ଏ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର, ତା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟାଇପ୍ ରହିତ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଦେନ୍ ଅଟୋ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେନିଫିସିଆରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡେଟାବେସ୍। ଅଟୋ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି NFSA SFSSର ଯେଉଁ ଡେଟାବେସ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ BSKVର ଯେଉଁ ଡେଟାବେସ୍ର ଯେଉଁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ କଥା, ଏଥିରେ ପେସେଣ୍ଟର କିଛି ନେବା ଦେବା ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଲିଟି କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯାଇକରି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରନ୍ତା, ସେଠି ଫଟୋ ଦିଅ, ତା'ପରେ ତା'ର ଫିସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହେବ, ସିଏ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇଲିଜିବଲ। ତା'ପରେ ଆପଣ BSKV କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ, ହଁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ନାହିଁ ସେପରେଟଲି। ସୋ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଅଟୋ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ହୋଇଗଲେ।
देन ऑटो अप्रूवल एंड कैशलेस फीचर मेक्स द प्रोसीजर हैसल फ्री फॉर द पेशेंट। ऑटो अप्रूवल माने ऑटो अप्रूवल इन द सेंस जिते बेले आपण हॉस्पिटल को डायरेक्टली जाउछन्ती हॉस्पिटल वाला डायरेक्टली पठाउछन्ती आ पेशेंट बा पेशेंट रो जे इमीडिएट रिलेटिव रहिले बा इमीडिएट फैमिली मेंबर्स रहिले सेमाने आउ दे डोंट हैव टू गो टू दिस ऑफिस टू दैट ऑफिस एठी एप्लीकेशन देले से एप्लीकेशन जाके आउ को उठी कोला पुनी ताकू ट्रैक करिवो किछि भी दरकार नै हॉस्पिटल पेशेंट को एडमिशन कर देले हॉस्पिटल पेशेंट पाखरे रहिले डॉक्यूमेंट जेती हॉस्पिटल मागिवो हॉस्पिटल देले हॉस्पिटल तार ऑटोमेटिकली से जिनस को प्रोसेस करिवो एंड लास्ट से डॉक्यूमेंट को यूज करके से तार क्लेम सेटलमेंट करिवो आपनकर कोनोसी नबा दवा नै बेनिफिशियर किछि टेंशन नै सेतिरे ओके। देन रोबोस्ट टेक्नोलॉजी एंड मॉनिटरिंग मेकानिज्म रोबोस्ट टेक्नोलॉजी माने ये सब गुड़ाक जिनस जमी सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है जमी हॉस्पिटल लेवल एडमिशन आपने से स्वास्थ्य मित्र बस कि सबकि कोऑर्डिनेट करुच्ची टेक्नोलॉजी हिसाब से सब जिनस सब ऑफिस डेटाबेस सब इंटीग्रेट हो नाता तेल ये पॉसिबल हो नाता मॉनिटरिंग मेकानिज्म मॉनिटरिंग मेकानिज्म माने सब सास सब हॉस्पिटल रिपोर्ट नौचे केते जन पेशेंट एडमिशन हेले केते जन ट्रीटमेंट हेले केते जन माने सक्सेसफुली बीएसकेवाई दैट माने गोटे योजनार फ्यूचर कौन जदि तार प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो प्रॉपरली मॉनिटर कराँ थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स थ्रू समानको रिपोर्ट मगा केते पेशेंट एडमिशन ले सो मॉनिटरिंग करा जाउछ ओके। सो दैट इज अनदर पॉजिटिव। देन 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स मो सरकार फीडबैक मेकानिज्म हेल्पलाइन नंबर सब एक्टिव होकर कॉल सेंटर मेंटेन कराँ पेशेंट एनी लेवल ले तार बीएसकेवाई रिगार्डिंग किसी भी इश्यू अच्छी से कंप्लेन करा चाहिए कंप्लेन कर फीडबैक देवाक चाहिए फीडबैक दे पार जब गोटे पर्टिकुलर हॉस्पिटल बहुत जन को हैरान करुच्चे मो सरकार आप फीडबैक देवे तेल प्रॉपर एक्शन जमी नवा कथा नि प्लस आम मो सरकार जो अच्छी ऑफिसर्स मैंने डायरेक्टली बेनिफिशियरी मान सहित कथा होता तो वीकली कॉल भी चलती एवरी डे बेसीस किसी कॉल कॉल करके पेशेंट को संगे कथ होती फ्री में ट्रीटमेंट पाइले कि नहीं हॉस्पिटल ले किसी असुविधा है कि नहीं मेडिसिन फ्री में पाइले कि नहीं बा डॉक्टर बा अन्य किए लाँच मागिले कि बा पैसा नापी चाहिए कि ये सब जिन फीडबैक माने डायरेक्टली ऑफिसर्स आर कॉलिंग द बेनिफिशियरीज एंड टेकिंग द फीडबैक फॉर फ्रॉम मो सरकार पर्सपेक्टिव। देन नेक्स्ट नेगेटिव कौन नेगेटिव हूँ यहाँ गोटे ह्यूज बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट एक्सचेकर ह्यूज बर्डन माने आज पर द रिकॉर्ड्स मोर देन 100 कोर्स फॉर मंथ स्टेट गवर्नमेंट दौची फॉर वेरियस हॉस्पिटल्स दौची प्राइवेट रे तो 100 करोड़ हेला बेलू यहाँ गोटे बिग बजेट गोटे आनुआल बजेट को देखले पाखापाखि 1200 कोटी रो गोटे बजेट रो गोटे स्कीम तेणु इट्स ए बिग ह्यूज एक्सपेंडिचर बर्डन गोटे निहाती भावरे जितेबाला स्टेट गवर्नमेंट ए स्कीम लॉन्च करथिला बेसिकली इट वाज ए एटा निहाती जरूरी नुहे लेखिबा बट स्टिल जदि आपनकर एग्जामिस आपन लेखि पारिबे क्रिटिसाइज करिया पे स्कीम को एटा गोटे पॉलिटिकल मूव थिला बिकॉज सेंटर रे बीजेपी स्टेट रे बीजेडी तो सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे सेमती आमर आयुष्मान भारत स्कीम आनी जो थे जो मैंने राशन कार्ड होल्डर्स दे विल गेट द मेडिकल फैसिलिटीज फॉर फ्री कैशलेस बेनिफिट्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स थिला से तेरे तांको सहित कोऑर्डिनेट करथिले स्टेट गवर्नमेंट रु किसी फंड आसता देन सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट रु किसी फंड आसता स्टेट गवर्नमेंट रु फंड आता मिसिकरी से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चरटा लोक मूँ प्रोवाइड कर ही था किंतु स्टेट गवर्नमेंट एज ए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इट थॉट दैट कि नहीं मु मोर गोटे प्लान इंट्रोड्यूस करी सो दैट माई पार्टी विल गेट ऑल द बेनिफिट्स इन द इलेक्शन सो से यहाँ गोटे पॉलिटिकल मूव थिला बोली मेनी पीपल हैव द ओपिनियन यहाँ गोटे पॉलिटिकल मूव थिला अदरवाइज देर वाज नो पॉइंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अनदर योजना और स्कीम इनस्टेड ऑफ एन एक्जिस्टिंग वन जो थी आपको ऑलरेडी 60% पाखापाखी कॉस्ट आपको मिल जाता 40% आपको स्पेंड करा पड़ता 40% ऑफ द ट्रीटमेंट कॉस्ट किंतु एबे पूरा 100% निज फंड रु ही दबाक पड़ुछि। देन चैलेंजेस एंड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट कौन चैलेंजेस एबे भी रहिछि अवेयरनेस कैंपेन्स आहुरी हबा दरकार कारण लोक माने बहुत जानते बहुत जिनस जानते एबे भी एमती नर्सिंग होम को पढ़ाऊँ एमती हॉस्पिटल को जाऊँ जो बीएसकेवाई अंडर ना कि निज पाखे कार्ड अच्छी निज पाखे राशन कार्ड अच्छी राशन कार्ड होल्डर्स भी एमती हॉस्पिटल को जाऊँ जो मेरे बीएसकेवाई फैसिलिटी ही ना तेणु इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन्स निहाती हवा दरकार बेनिफिशियरीज आर स्टिल इग्नोरेंट अबाउट द फैसिलिटीज एंड द राइट्स ओके। देन नेक्स्ट इज हॉस्पिटल्स आर टेकिंग एडवांटेज एज दे आर ड्यूपिंग द पेशेंट्स ऑन वेरियस ग्राउंड्स नॉट एडमिटिंग इमरजेंसी पेशेंट्स शोइंग कॉज
as delay in approval. बहुत जगह हॉस्पिटल अथॉरिटीज दे आर प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ द पेशेंट. गोटे पेशेंट जाइए पहुँचला ताको कहे ना आपड़ जब कैश रे ट्रीटमेंट हे तो इमिडियेटली आम एडमिशन करूँ. जदि बीएसके कथा कहे तो से आप्रुवाल बहुत समय लगुच आम बीएसके रे एडमिशन करूँ ना. तेणु जपर्त आप्रुवाल न आसी आप बाहर वेट करूँ आम अपेक्षा करें. तेणु इमरजेन्सी गोटे लोक बाध्य प्रथम कैश रे एडमिशन हो सो सेटा गोटे डिसएडवांटेज. तो क्ली माने सेटा गोटे चैलेंज एवं भी पाखे रही है यही जिनस केमी इराडिकेट कर जिनस को कमी हटे हे. प्ली फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट्स एंड एक्सट्रैक्टिंग कैश माने जी फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल दे गोटे स्टेंट लगे हार्ट जनकर ब्लॉकेज अच्छी तापर गोटे बाइपास सर्जरी हे स्टेंट लगे बा जनकर कान हियरिंग इम्पेयरमेंट अच्छी कान से शुणी पारुनी तार गोटे कॉक्लियर इम्प्लांट लगे. तो डॉक्टर्स आर गिविंग प्राइवेट हॉस्पिटल जो डॉक्टर अच्छा से माने दे आर गिविंग ए प्ली कि नहीं ए गवर्नमेंट रे जो बीएसके अंडर रे जो इम्प्लांट गुड़ाक आसूची बा जो गुड़ाक स्टेंट आसूची से गुड़ा हूँ बहुत पुअर क्वालिटी से गुड़ा बहुत कम दिन जीव तेणु तुम्हें कैश रे कर दियो. कैश रे कर देले भल इम्प्लांट आम लगे देबू जोटा कि बेसी दिन जीव बा तुम्हार हेल्थ रिस्क से ना. तो सेटा गोटे बेले बेले आसूची टू गेट टू एक्सट्राक्ट मनी फ्रॉम द पेशेंट्स. प्ली ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड आईसीयू फॉर बीएसके पेशेंट्स जो आईसीयू बा वेंटिलेटर जिते कोरोना टाइम आईसीयू वेंटिलेटर रो रिक्वायरमेंट बहुत टॉप रे थिला सेतेबेले जदि गोटे डॉक्टर बा हॉस्पिटल अथॉरिटी मना करदे ना आम पाखे आईसीयू ना तो ऑटोमेटिकली बीएसके पेशेंट फेरी जीव आउ गोटे नॉर्मल कैश पेशेंट एडमिशन नहीं जीव से हॉस्पिटल पे बेनिफिट कारण कैश रे हेले इमीडिएटली पेशेंट एडमिशन हेला ट्रीटमेंट चलती हॉस्पिटल कैश पाइला माने तार ट्रीटमेंट कॉस्ट तार पाइगला. किंतु जदि बीएसके कर प्रथम जिन गोटे कन्स्टेंट होती गोटे लिमिटेड पैकेज भितर पेशेंट को ट्रीट करा पड़ो एवं तार बहुत सारा फॉर्मेलिटी रही क्लेम करने को पड़ो पर पुणी आठ दिन कि दस दिन पर क्लेम सेटलमेंट हे तेणु ए सब जिन बचाप दे आर टेकिंग अ इजी वे. नॉट प्रोवाइडिंग 5 डे पोस्ट प्रोसीड्योर मेडिसिन्स बहुत जगह ऑपरेशन होची जो प्रोसीजर अच्छी 5 रु 15 दिन पर्यंत मेडिसिन तुम्हें पेशेंट को डिस्चार्ज कला दब से जगह से मोस्टली बहुत जगह दौना. तेणु सेटा गोटे अनदर माने चैलेंज रही. देन नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एट हॉस्पिटल लेवल एंड इवैल्यूएशन केस बाय केस माने जो यही सब जिन कहे प्रत्येक बीएसके केस को डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से देखा पड़ो. गोटे जदि हॉस्पिटल रिजेक्शन हो गए पेशेंट एडमिशन हो पारे बीएसके कहीं से हॉस्पिटल को शो कॉज नोटिस एक्सटेंशन मगाजा दरकार प्रति केस रो इंपोर्टेंस रहा दरकार छोट प्रोसीजर कौन बड़ प्रोसीजर कौन से यहाँ लिखी. देन फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवांसेस बहुत लोग एमती जो कहली हॉस्पिटल डिफरेंट प्ली देखि पठे दूँ कैश रे ट्रीटमेंट होती धार उधार करके सुझुं तो से जगह जदि से कंप्लेन करुं सास पाखे स्टेट हेल्थ एश्योरेंस सोसाइटी पाखे देन सास शुड लुक आफ्टर इट इमिडियेटली कमी ग्रीवांस रिजोल्यूशन हे हॉस्पिटल को कहुपे से पैसा रिफंड करूँ बा किसी भी इनिशिएटिव बा किसी भी स्टेप जहाँ भी दबा कथा जमी गोटे लोक बेनिफिशियरी को जमी प्रपर्ली न्याय मिलवा कथा मिलू से रिजोल्यूशन जमी फास्ट हो ग्रीवांस रो. फर्स्ट क्लेम सेटलमेंट टू एनकरेज मोर हॉस्पिटल्स क्लेम सेटलमेंट रो गोटे मैंने प्रोसेस रखते 7 दिन देन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हे वेरीफाई हो हॉस्पिटल को जो 7-8 दिन रो गैप भावंतु गोटे हॉस्पिटल जदि बीएसके पेशेंट 50 जन को ट्रीटमेंट करुच्छे 100 जन को ट्रीटमेंट करुच्छे समस्त ट्रीटमेंट कॉस्ट इज मोर देन 1 लाख तेल केते टंका तार पेंडिंग हो रहा फॉर 7 डेज 8 डेज जदि बहु माने सेटा आहुरी कमे हुआ 7 दिन रु कम दिन में हॉस्पिटल रो क्लेम सेटलमेंट जदि करदे हुआ ताले प्राइवेट हॉस्पिटल्स आहुरी एनकरेज हुए आहुरी समानकर माने इंटरेस्ट आसंता जो ठकिबा बा पेशेंट को मिछ कह कि एडमिशन न करिबा से जिनस हूँ तो कमी जाई पारंता. मोर कवरेज इन रिमोट एरियाज जोड़ा रिमोट एरिया अच्छे जो थे कि गोटे दुटा तीन टा हॉस्पिटल अच्छी मात्र बीएसके अंडर से आहुरी एक्सपेंड करवा दरकार से आहुरी हॉस्पिटल्स को बीएसके अम्ब्रेला भितर को आणले माने बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करहब बेटर रिच रहइबो हमरो रिमोट एरिया लोक मानते. सो दैट इज अनदर स्कोप ऑफ सो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. सो दिस वाज इट. सो आई डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना एतिपई कारण इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम्स ऑफ द स्टेट आउ एथिरे बहुत माने दिस इज वेरी हाई बजेट सर्विस आउ जोटा कि सीधा माने जो रिफ्लेक्ट करुच्छी डायरेक्टली बेनिफिशियरी को ये योजना माने योजना द्वारा डायरेक्ट बेनिफिशियरी जे सी निजे उपकृत होची. सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम्स
ଆଉ ରିଲିଭେନ୍ସ ବି ରହିଛି ଏହାର। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ବି ରିଲିଭେନ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେମାନେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଥିରୁ ଆସିପାରିବ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ BSKVକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସୋସାଇଟି, ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ସୋସାଇଟି, ଦେନ୍ ଲିମିଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ, BSKV ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଚାହିଁଲେ ଏ ସ୍କିମ୍ରୁ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆଇ ଗେଭ୍ ୟୁ ଏ ଭେରି ଭେରି କ୍ଲିଅର୍ ପିକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କିମ୍। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ନହେଲେ ବି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ ସେତେ ବେଟର୍, କାରଣ କେବଳ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେମିତି ବେନିଫିସିଆରୀ ପାଖରେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ବି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଆକ୍ସେସ୍ ଜାଣିପାରିବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଆସେ ଏମିତି ଯେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯାଆନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ଟୁ ହୁମ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଟୁ। ଯେଉଁ 104 କହିଲି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ସେଇଠିକି କଲ୍ କରିକି ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ କି ସେମାନେ ଜାଣିବି ନଥାନ୍ତି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥାଏ। ସୋ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ପଛେ ହଉ ଆମେ ଯେତିକି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା ସେତିକି ହେଲ୍ପ କରିବା। ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ କାଇଣ୍ଡଲି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ବାଏ ବାଏ।